आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि वीडियो प्रमोट कैसे करते हैं। यदि आप किसी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ज़्यादा लोग देखें मेरी वीडियो को, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ को। मैं आपको इसमें गूगल एड्स के द्वारा वीडियो को प्रमोट करना सिखाऊँगा। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो यार देरी किस बात की, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो आपको सिंपली youtube.com को ओपन कर लेना है और अपनी आईडी को साइन इन कर लेना है। इसके बाद में आपको अपने वीडियो मैनेजर में जाना है। वीडियो मैनेजर पर जाने के लिए आपको यहाँ माई चैनल पर जाना होगा। माई चैनल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको वीडियो मैनेजर पर क्लिक करना है। वीडियो मैनेजर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियोस आ जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी वीडियोस आ चुकी हैं। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हो। तो मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ क्लिक करना है इस एरो पर। इसके बाद में आपको यहाँ प्रमोट का एक ऑप्शन होगा, इस प्रमोट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रमोट पर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देते हो तो आपको थोड़ा वेट करना होगा और इसके बाद आप गूगल एड्स में साइन इन हो जाएंगे। इसके बाद में अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो जो वीडियो मैंने सेलेक्ट की थी प्रमोशन के लिए वो यहाँ आ चुकी है। और इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। एक ऑप्शन होगा ऑटोमेटिक प्लेड बिफोर अदर यूट्यूब वीडियोस। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो तो आपकी वीडियो इस तरीके से चलेगी ऐड में, तो आपकी वीडियो को कोई भी स्किप कर देगा। तो इस वजह से आपके जो वॉच टाइम है वो भी कम आएगा और आपकी वीडियो को कोई भी ज़्यादा नहीं देखेगा, स्किप ही कर देगा। तो इसलिए आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप चाहते हो कि आपकी वीडियो को कोई देखे सही से, तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी वीडियो काफ़ी छोटी है 30 से 40 सेकंड की, तो आप ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अब आपके सामने वीडियो का थंबनेल आ जाएगा, आपको कौन सा लगाना है। तो मैं ये वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरी वीडियो का थंबनेल लगा हुआ है। इसके बाद में अब आपको यहाँ पर अपनी हेडिंग डालनी है, जो जिस टॉपिक पर आपकी वीडियो है मैं वो डाल देता हूँ। और इसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2 डालना है, जो आप चाहो वो डाल सकते हैं, लेकिन आपको इन तीनों डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ आपको डालना होगा। हेडिंग भी डाल दी है और डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है। अब इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करनी है, आप अपनी वीडियो कहाँ दिखाना चाहते हो। तो मैं इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको इंडिया सर्च करना है और आपको इंडिया, जो भी आपकी कंट्री है, जिस भी कंट्री में आप दिखाना चाहते हो अपनी वीडियो, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको फिर नीचे स्क्रॉल करना है और आपकी जो वीडियो की लैंग्वेज है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। यदि आपकी वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आप इंग्लिश यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी वीडियो हिंदी लैंग्वेज में है तो आपको यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। जिस भी लैंग्वेज में आपकी वीडियो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने हिंदी सेलेक्ट कर ली है। मैं इंग्लिश को हटा देता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो हिंदी में है। और इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, आप किन्हें दिखाना चाहते हो अपनी वीडियो, मेल फीमेल को। ये यदि आप सभी को दिखाना चाहते हो तो आप सभी पर यहाँ राइट कर सकते हैं। यदि आप केवल फीमेल को दिखाना चाहते हो तो आप ये दो ऑप्शन हटा सकते हो, तो आपकी जो वीडियो है केवल वो फीमेल को ही दिखेगी। आप जितना बजट यहाँ डालना चाहो, डेली बजट डाल सकते हो। आप यदि यहाँ पर 100 डालते हो तो आपका डेली बजट यहाँ 100 हो जाएगा। आपके यहाँ डेली 100 रुपये आपके कट जाएंगे। इसके बाद में आपको कंटिन्यू टू बिलिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी पेमेंट कन्फर्म करनी होगी। तो यहाँ पर ही आपको अपना प्रमोशन कोड है, यदि आपके पास कोई, तो आप यहाँ प्रमोशन कोड डाल सकते हैं। प्रमोशन कोड डालने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है।
आप पेमेंट किसके माध्यम से करना चाहते हो, तो आपको पेमेंट मेथड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। आप पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हो या नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है और एड्रेस डालना है और सिटी और कोड, आपका सिटी कोड जो भी है। और इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको वो अमाउंट डालनी होगी जितनी आप इसमें ऐड करना चाहते हो। आप 500 रुपये से कम ऐड नहीं कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको यहाँ क्लिक करना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, पेमेंट कर देना है। या पेमेंट कर दोगे तो आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाएगा, कॉन्ग्रेट्स यू आर ऑल डन। जैसे ही आपकी वीडियो अप्रूव्ड हो जाती है तो आपकी वीडियो पर व्यूज़ आने लग जाएंगे। तो एक चीज़ और करनी होगी, मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ क्लिक करना है एक्सप्लोर योर कंपेन, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में आपको जो है, आपका जो CPC है वो अभी यहाँ पर 3 रुपये होगा, तो आपको अपने CPC को कम कर देना है। इससे ये होगा आपकी जो वीडियो है उस पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और आपके जो पैसे हैं वो कम कटेंगे। तो इस वजह से आपका जो CPC है वो अभी ज़्यादा है, तो इसलिए आपको कम करना होगा। ऐड ग्रुप पर जाना है। ऐड ग्रुप पर जाने के बाद में आपकी जो ऐड है वो आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ऐड यहाँ आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम CPC 3 रुपये है, आप देख सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसे आपको 30 पैसे कर देना है। तो मैंने इसे 30 पैसे कर दिया है, इससे मेरी वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और पैसे कम कटेंगे। तो ये काम और आपको करना है, तो 24 घंटे बाद वीडियो चल जाएगी। तो देखो दोस्तों, आपने इस तरीके से आप अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई वहाँ पर ज़रूर कर दूंगा। और यहाँ भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं यदि आपको कोई दिक्कत आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।